आगरा के शिल्पग्राम का मुक्त काशीय मंच पर दर्शक कव्वाल एहसान भारती घुंघरू वाले का इंतजार कर रहे थे। दर्शकों को इंतजार था 84 घुंघरुओं की आवाज का। रात करीब 10 बजे जब वह मंच पर पहुंचे तो शिल्पग्राम उनके सुरों और घुंघरुओं के रुंझुन से झनकृत हो उठे। देर रात तक दर्शक उनकी प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाते रहे। आगरा के लोगों से मेरे अल्लाह मेरा नक्श मुकर्रर कर दे, मेरे अल्लाह मेरा नक्श मुकर्रर कर दे, मेरे बेटे को मेरे कद के बराबर कर दे। तालियों में बताइए ना आप आदमी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुझा दे, मेरा दौर मुख्तसर कर दे, अभी शुरू नहीं मगर दिए की तरह मुझको मौतबर कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मौतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मेरी तलाश को जो सूफी हजरत बैठे थे जो जाऊंगा, मेरी तलाश को बेनाम बेसफर कर दे, मैं तेरा रास्ता छोड़ू तो दर बदर कर दे। किसी किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। न जाने किसकी दुआओं का फैज है मुझ पर कि मैं डूबती हूँ समंदर उछाल देता है। हसरत नाकाम से जल जाती। ये बड़ी लंबी कहानी है। जब मेरठ में रहते थे, हम पढ़ते थे जब, तो एक फकीर बाबा की देन है ये। फकीर बाबा ने कहा कि अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको अपनी जान भी देनी पड़ेगी इस काम के लिए। आप दे सकते हैं? मैंने कहा जी हाँ दूंगा। कि घुंघरू बजा सकते हैं आप गले से? मैंने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है? फकीर बाबा ने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करी हमने, उन्होंने कुछ करा, मुंह से ऐसा कुछ कर रहे हो करे। 5 मिनट के बाद में हमने आंखें खोल के देखी, कुछ नहीं था, वहां गायब हो गए वो। और हमसे वचन ले लिया कि चाहे आपकी जान चली जाए, आपको ये जो हम आपको कला दे के जा रहे हैं इसको जिंदा रखना है आपको। तो आप सब किसी जैसे आपने बात कभी भी किसी और को भी तैयार कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं ना, साहबजादे को कर रहे हैं हमने। अच्छा, अपने साहबजादे को जी कलाम हसन है उनका नाम जी। तो आप जैसे इंटरनेशनल शोज में भी जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली डिमांड क्या रहती है लोगों की इस चीज को लेके? घुंघरू वाल तो कुछ भी करूँ मैं, लेकिन घुंघरू तो सुनाने ही पड़ेंगे। एक घुंघरू से लेके 84 घुंघरू की आवाज जो मैंने तैयार की है, जो रियाज किया है, जिसके लिए 5 साल तक मटके के अंदर मुंह डाल के रखा मैंने, सूरज नहीं देखा, कमरे में बंद रहा और रियाज करता रहा। तो जब ये हासिल हुई है बात मुझे। परिवार का कितना सपोर्ट रहा इस पूरे के लिए? क्योंकि आपका पूरा परिवार सबसे पहले तो पागल ही कहते थे लोग मुझे, कि पागल हो गए एहसान साहब, क्या क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया तो उनको सबको ताज्जुब हो गया, यार हम तो मजाक समझते थे, ये क्या हो रहा है। आपने के टीवी शोज में भी एक तरह से प्रेजेंट की परफॉर्मेंस दी? बहुत बहुत। अभी सलमान खान को बुलाया मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में। कैसा अनुभव रहा इंडियाज गॉट टैलेंट का? बेहतरीन, बहुत लोग पहचानने लगे और भी ज्यादा। क्या मानते हैं इस टाइप की कई आर्ट्स होती हैं जो बिल्कुल जमीन पे ही खत्म हो जाती हैं, आगे उनको इंडिया में आगे बढ़ावा नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं क्या बढ़ावा, तो जो कलाकार होगा जो आर्टिस्ट होगा वो जमीन में रह के भी आसमान पे जाएगा। वो वक्त मिलने की बात है, टाइम की बात होती है, हरा जो भी टाइम होता है टाइम की बात होती है। जो टाइम पे एकदम सामने आ गया वो तो ठीक है, और पर्दे में गुम हो गया तो गया। आज मोहब्बत की नगरी आगरा में है, कुछ स्पेशल पेशकश आगरा के लिए? शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में, शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में, बन गया ताजमहल एक ही अंगड़ाई में।
ماحول کو ابھی کچھ یاد نہیں ہے، مجھے کیا سناؤں گا میں، چہرے دیکھ کے مجھے آتے ہیں شعر یاد. آپ کس بے وقوفی سے ملتے ہو؟ کیا یوں ہی ہر کسی سے ملتے ہو؟ آپ ہم سے بھی اس طرح ملیے جیسے دوسرے سردار جی سے ملتے ہو. کمال نکل ہے یار. اور دیکھیے تو جناب زاہد کو باتوں باتوں میں چھیڑ لیتے ہیں، ان کی زلفوں کا تصور کر کے ہاتھ داڑھی پہ پھیر لیتے ہیں. یا ہینڈ ٹو ہینڈ بنا رہے ہیں یہ. اب بتاؤ جتنے لوگ کھڑے کس کے لیے کیا کہوں بتایا ہم مجھے، ایک منٹ شعر سنا دوں گا. کن کے بنا کر باندھ لو بالوں کا جھولا، یہ ناگن کی طرح سے جھومتے ہیں، بجا کر بین نہ کوئی پکڑ لے، سفید آگرے میں بہت گھومتے ہیں. ہم کیا بنانے آئے تھے اور کیا بنا بیٹھے، ہم کیا بنانے آئے تھے اور کیا بنا بیٹھے، کہیں مسجد بنا بیٹھے، کہیں مندر بنا بیٹھے. ہم سے تو اچھی ایک پرندے کی ذات ہے، کبھی مسجد پہ آ بیٹھے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے. زمین سے پیار ہے ہم کو، علل اعلان لکھ دینا. زمین سے پیار ہے ہم کو، علل اعلان لکھ دینا. ہماری زندگی پہ اس کے احسان لکھ دینا. یہ کس کا مقبرہ ہے؟ دنیا والے جان جائیں گے، ہماری قبر کے پتھر پہ ہندوستان لکھ دینا.